Next question. Question says a small block B is placed on another block A of mass 5 kg and length 20 centimeter. Initially the block B is uh, near the right end of block uh, A as shown in the figure. A constant horizontal force of 10 newton is applied uh, to the block A. All the surfaces are assumed to be frictionless. Uh, Sahale, find the time elapsed before the block B separates from block A. Now uh, simple Savale. सिनेरियो कुछ इस प्रकार है कि यह आपका एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है ज़मीन पे सरफेस फ्रिक्शन है। दूसरा एक ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है छोटा सा ब्लॉक है ऐसे आ, ये इसका जो ये वाला ब्लॉक है इसका इसके ऊपर आपने एक फोर्स लगाया है जिसकी वैल्यू है टेन न्यूटन और इसकी लेंथ है ट्वेंटी सेंटीमीटर और इसका जो मास है वो अपने को दे रखा है मास फाइव के जी फाइव के जी इसका मास है नाउ और क्योंकि आप फ्रिक्शन लेस सरफेस है तो होगा ही कि ये वाला ब्लॉक आगे से रख जाएगा और ये वाला ब्लॉक यहाँ पे उसका नीचे गिर जाएगा सवाल ये कितनी देर बाद हमें यहाँ बताना है आ, टाइम कितना होएगा कि जब ये दोनों ब्लॉक आपके सेपरेट हो जाएंगे तो ये वाला ब्लॉक नीचे से रख रहे हैं अगर इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता तो हो सकता है वो ब्लॉक भी आगे जा रहा होता लेकिन क्योंकि फ्रिक्शन लेस है तो ये वाला ब्लॉक तो आप ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं सो so, ये वाला ब्लॉक तो यहीं पे ड्रॉप हो जाएगा ये वाला ब्लॉक उसके नीचे से आगे चला जाएगा ठीक है सो इस वाले केस में सबसे पहले एक्सेलेशन निकालते हैं एक्सेलेशन विल बी इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय मास नाउ फोर्स है आपका टेन न्यूटन मास है आपका फाइव के जी टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया ना कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं कि अगर मान लो इसका मास दिया हुआ है वन के या टू के या डिफरेंट मास दिया हुआ है हालांकि दिया नहीं है तो परेशान नहीं होना बट अगर मान लो दिया हुआ है तो वहाँ पर मास में दोनों को ऐड कर देते हैं नहीं उस केस में क्योंकि हॉरिजोंटल फोर्स है और आप सिर्फ इसको मूव कर रहे हैं इसके मास का कोई रोल नहीं आएगा यहाँ पे ठीक है सो so, ये आपका एक्सलेशन ये आ जाएगा ना उस केस में अगर हम देखें कितना यहाँ पे अगर हम सेकेंड इक्वेशन लगा लें एस इजल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इस वाले ब्लॉक के लिए सो so, जो ऐसे है अपना जो उसको यहाँ से वहाँ ट्रेवल करना है दैट इज़ ट्वेंटी सेंटीमीटर इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है हाफ ए आ गया आपका टू मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर सो विच एम्प्लाइज आपका टी uh, स्क्वायर की वैल्यू हो गई टू कैंसिल हो जाएगा ट्वेंटी इंटू टेन टू द पावर माइनस टू और टी की वैल्यू यानी कि इसका अंडर रूट सो दिस विल बी इक्वल टू ट्वेंटी का अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय टेन टू द पावर माइनस वन आ ट्वेंटी का अंडर रूट का मतलब ये है दिस विल बी इक्वल टू फोर रूट फोर इंटू फाइव यानी कि टू रूट फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस वन ये आपका टाइम हो जाएगा इसे जब हम सॉल्व करते हैं इसकी वैल्यू जीरो पॉइंट फोर फाइव सेकेंड के आसपास आ जाती है सो दिस विल बी आर फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम